माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ नेल ट्रांसफॉर्मेशन। बिफोर की वीडियो तो आपने देख ली, तो अब मैं कराने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन। सो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, तो मैंने चूज़ की जेल एक्सटेंशन एंड साथ में मैं नेल आर्ट भी कराऊंगी एंड देखते हैं कि मैंने कौन सा नेल पेंट लगवाया है आज। मेरी ड्रेस का कलर जैसा था मैंने वैसा ही लगवाया एंड ये जो नेल्स हैं मैंने लगवाए हैं पॉश नेल स्टूडियो से। आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइंस हैं वहाँ पे एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। और इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब और जलंधर, यू गाइस कैन विजिट देयर स्टूडियो। तो आप देखिए आफ्टर कि मेरे जो नेल्स हैं वो कैसे लग रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेल्स कैसे लगे। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो लेट्स गेट रेडी टुगेदर एंड ये वाला जो लुक है इज़ माई फेवरेट। बट लुक करने से पहले आई एम गोइंग टू डू लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी टू डू है। आई एम गोइंग टू टेक 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी एंड ये बहुत अच्छा स्क्रब की तरह काम करता है। इंस्टेंट आपकी स्किन को टाइटन अप करता है एंड ऑल्सो आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है बिकॉज इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। बहुत अच्छे से एज अ स्क्रब भी काम करता है। आप इसे ऐसे रहने भी दे सकते हैं, ये एज अ यू नो नरिशिंग मास्क भी काम करेगा। सो 5 मिनट के बाद मैंने इसे वॉश किया, यू गाइस कैन सी माई लिप्स, माई स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी लग रही है एंड और ज़्यादा हेल्दी लग रही है। अगर ये नहीं है ना, देन यू गाइस कैन गो फॉर शीट मास्क, वो भी बहुत अच्छी से आपकी स्किन को नरिश करते हैं। सो मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। ठीक है, मेकअप करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी होती है, बट स्किन केयर हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की हाइड्रेटिंग क्रीम एंड आई लव दिस क्रीम। बहुत अच्छी से यू नो हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को, प्लम्पी बनाने में हेल्प करती है एंड और ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा की सनस्क्रीन। मोस्टली मैं यही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हो कौन सी यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये ड्रेस के ऊपर टैग लगा था तो मैंने सोचा इसे जल्दी जल्दी कट कर दूँ क्योंकि मोस्टली मैं भूल जाती हूँ। आप कभी भूलो ऐसे टैग अपनी ड्रेस में, स्पेशली न्यू ड्रेस में? मैं तो भूल जाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही कट कर लेती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को ग्रूम कर रही हूँ। थोड़ा ग्रूम करके ना और ज़्यादा अच्छी लगती हैं आईब्रोज। ठीक है, तो आज का जो लुक है बहुत ज़्यादा फ्रेश होने वाला है, फ्लॉलेस फेस होगा। लाइक फेस इतना ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा ना, लाइक सन किस्ड जैसे होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आई नो दैट। और अगर आप टीनेजर हो, बिगिनर हो, ये मेकअप आपके लिए ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू डू है, स्टेप बाय स्टेप है, यू कैन डू इट वेरी इजीली एंड बहुत जल्दी भी कर सकते हो। सो मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम क्योंकि डे मेकअप है, नॉर्मल पार्टी है, तो बीबी क्रीम से अच्छे से आपको कवरेज मिल जाएगी। बट उसके अंदर भी ना मैंने थोड़ा सा प्राइमर ऐड किया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे क्या है और ज़्यादा उसे स्मूथ इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है, एंड उसके अंदर आप तो हल्का सा लाइक 1 ड्रॉप ऑफ हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए। मैंने नहीं किया था, मेरी वैसे ही ड्यूई लुक आ रही है, आप देख सकते हो, है ना। तो मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड किया, लाइक बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने ना NYB का मूज ब्लश यूज़ किया। ये नहीं है ना, तो आप कोई लिपस्टिक ले सकते हो इस कलर की जो कि क्रेम फॉर्म में हो। सो यू गाइस कैन सी कि कितनी ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है एंड ये लुक ना बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। लाइक बाहर जाके भी ना ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैंने मेकअप किया बिकॉज मैंने यूज़ किया था ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड होता है एंड ऐसा लगता ही नहीं है कि लाइक ऊपर ऊपर आपके कोई प्रोडक्ट लगा है। सो इसलिए ना मैंने कम से कम प्रोडक्ट यूज़ किया है आज एंड अच्छे से ब्लेंड किया है। ये है मेरी आज की टेक्निक बिल्कुल नेचुरल मेकअप के लिए। एंड इवन मैंने पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए भी ना यही यूज़ किया ताकि ना वो और ज़्यादा ब्लेंडेबल लगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ब्लशर तो यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है वो मैं लाइक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी कौन कौन से यूज़ किए हैं
एंड हाँ, वो मैंने जो नेल स्टूडियो बताया ना, उसका एड्रेस भी वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है ना। तो आप पहले ना ये देखो कि बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है एंड कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। सारी जो टेक्निक होती है ना मेकअप में, इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, सम प्रोडक्ट नॉलेज एंड ऑल्सो पेशेंस। ओके, थोड़ा बहुत पेशेंस तो चाहिए होता है, ऐसे थोड़े प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगाई जो, मतलब थोड़े आराम से करो काम ताकि जो परफेक्शन दिखे आपके मेकअप में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ना ये वाइट काजल पेंसिल लिया एंड इनर कॉर्नर पे लगाया। आप कोई आई शेडो भी ले सकते हो जो शिमरी सा हो, उससे भी सेम इफेक्ट ही आएगा। उसके बाद मैंने ना विंग लाइनर लगाया। मैं फुल आईलाइनर अब नहीं लगाती हूँ, मैं हाफ़ आईलाइनर ही लगाती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, वो देखते होंगे कि फुल आईलाइनर बहुत रेयर लगाती हूँ मैं। ट्रेडिशनल मेकअप्स में लगाती होंगे, बट नॉर्मली मेरे को हाफ ही पसंद है एंड आईज उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है आईलैश कर्लर। प्रो हो तो यूज़ करो, नहीं प्रो हो तो मत इसे यूज़ करना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसे यूज़ करना। मतलब होता तो नॉर्मल ही है चीज़, बट इसे अगर यूज़ करना है तो थोड़ा पेशेंस से करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया। इसे थोड़ी ना जो आईलैशेस हैं वो और ज़्यादा फुलर लगती है एंड थोड़ी अपवर्ड में लगती हैं कि आपकी जो आईलैशेस है वो और ज़्यादा लंबी हैं, है ना। तो उसके बाद मैंने ना वाइट काजल अपनी वाटर लाइन पर लगाया। मेरी आँखें थोड़ी सी छोटी है ना, तो अब देखना कैसे बड़ी लगेंगी आँखें। तो वाटर लाइन के ऊपर काजल लगा लिया। वाटर लाइन के जो नीचे है ना, हमने ब्लैक काजल हल्का सा स्मज कर दिया। तो अब देखो जो आँखें हैं वो पहले से बड़ी लग रही हैं, है कि नहीं। तो इसे क्या है कि जो लुक है, काइंड ऑफ डॉल लुक कह सकते हो, वैसा आ जाता है एंड आपकी आईज भी थोड़ी बड़ी लगती हैं। एंड ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है एंड मैं इसे फिर से बाय करने वाली हूँ, बार बार करूँगी, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मेकअप जो है वो डन हो गया है। तो चलिए अब हम करते हैं हेयर स्टाइल। सो बालों के ऊपर मैंने ना पहले हल्के से कर्ल कर लिए थे, लाइक बिल्कुल लाइट कर्ल्स हैं ये। आप बिना कर्ल्स के भी कर सकते हो ये हेयर स्टाइल, बट कर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रिटी लगता है इसलिए मैं कर्ल्स कर रही हूँ। मैंने थोड़े टाइम तक रखने थे इसलिए मैंने स्प्रे की है ताकि ये अच्छे से टिके रहे, मतलब ऐसे ही रहे। तो उसके बाद ना अब हम अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना साइड पार्टीशन ली, तो एक साइड से मैंने टक कर दिए थोड़े से बाल निकाल के, आप देख सकते हो ना, मतलब बहुत इजी, आप देख के ही सीख जाओगे, ठीक है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल मैंने अच्छे से कॉम्ब किया। आपने अच्छे से कॉम्ब करना, ये ध्यान रखना। तो पीछे मैंने नॉर्मल ऐसे पोनी बना ली, हाफ बाल छोड़ के, हाफ नीचे छोड़ दे, हाफ ऊपर के बालों को मैंने ऐसे कर दिया। कितना ज़्यादा इजी हेयर स्टाइल है, बट क्यूट बहुत है, ये मानने वाली बात है ना। ओके, तो अट्रैक्टिव और लगना है तो एक्सेसरीज मैं हमेशा वेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ जो कि मेरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे, मेरी ड्रेस के साथ जाए। तो ये मैंने H&M से बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन बटरफ्लाई वाली ये इयररिंग्स ली हैं एंड मुझे तो बहुत पसंद है एंड ये लाइट वेट भी है। सो मैंने इसे पूरा दिन पहना एंड मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ। यू गाइस कैन सी कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। एंड इसका कॉस्ट था 700 रुपीज़ एंड दिस इज़ माई फेवरेट वॉच एंड मैंने पहली बार पहनी थी एंड आई जस्ट लव दिस। सो इन सब चीज़ों के बाद लुक और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया एंड आप मुझे ज़रूर बताना अभी देख के कि आपको ये फुल लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। बहुत जने पूछेंगे किसका बर्थडे था, तमन्ना का बर्थडे था एंड शी इज़ रितिका ब्लैक ड्रेस में एंड साथ में थी श्रुति तन्वी एंड या। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना जो कि बिल्कुल फ्री है। सो बाय, लव यू ऑल।